कैसा होगा 2023 का बजट? क्या लोगों की उम्मीदों पर उतर पाएगा खरा? क्या मिडिल क्लास के सपनों को साकार कर पाएगा इस बार बजट? किसानों के लिए वित्त मंत्री कर सकती हैं बड़ा ऐलान। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगी। ये बजट मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, क्योंकि उसके बाद साल 2024 के मध्य में चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि इस बार का बजट लोक लुभावन भी हो सकता है। बजट 2023-24 के लिए सारी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं और वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि टैक्स का बोझ झेल रहे मध्यम वर्ग को कैसे कुछ राहत दी जाए। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में कहा कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से, लिहाजा उनके ऊपर के दबाव को बखूबी समझती हूँ। मैं भी मिडिल क्लास परिवार से रह चुकी हूँ। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के ऊपर कोई नए तरह के टैक्स का बोझ नहीं डाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले से ही मध्यम वर्गीय परिवारों को 5 लाख रुपए तक की आय में टैक्स मुक्त रखा गया है। कार्यक्रम में लोगों से बात करते हुए वित्त मंत्री ने इस बात का तो भरोसा दिया कि वो मिडिल क्लास के ऊपर आने वाली परेशानियों को समझती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि केंद्र की मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग पर किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया है। दरअसल लंबे समय से मिडिल क्लास का यह मानना है कि देश में टैक्स का एक बहुत बड़ा बोझ उनके ऊपर आता है, क्योंकि सैलरीड क्लास ज्यादातर मिडिल क्लास के लिए ही। अगर इस बजट में वित्त मंत्री मिडिल क्लास को टैक्स छूट या अन्य तरीकों से राहत देती हैं, तो उनके लिए बड़ी सौगात की बात हो सकती है। किसानों के लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है बड़े ऐलान। 2023 के बजट में क्या डबल हो जाएगा किसान सम्मान निधि का किश्त? किश्त के पैसे 2000 से बढ़कर हो सकते हैं 4000। किसान काफी समय से कर रहे थे किश्त बढ़ाने की मांग। दरअसल किसान काफी समय से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले रुपए की किश्त बढ़ाने की मांग कर रहे थे और ये बजट चुनाव से पहले का लोक लुभावन बजट माना जा रहा है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसों को डबल करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6000 रुपए की जगह 12000 रुपए 3 किश्तों में मिल सकते हैं।